बार 24 और 25 मार्च को पूरे देश भर में होली का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसके लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बाजार रंग अबीर गुलाल से सजे हैं। कई शहरों जैसे मथुरा, वृंदावन, बनारस में तो होली का रंग जमने लगा है। हर कोई जमकर होली खेलने की पूरी तैयारी में है, लेकिन सभी के मन में इस समय एक सवाल ज़रूर आता है कि वो बाज़ारों में बिक रहे नकली रंगों और मिलावटी मिठाइयों से कैसे बचे। होली के दिन जब तक रंग बिरंगे ना हो जाएं, तब तक होली का मजा अधूरा रहता है। खुशियों के इस त्यौहार पर हम सभी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं, लेकिन आजकल होली के इन रंग बिरंगे रंगों में मिलावट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पहले होली खेलने के लिए टेसू के फूलों से बने नेचुरल रंगों का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन अब रंगों में किस किस चीज़ की मिलावट हो सकती है इस बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इनमें हानिकारक केमिकल डाले जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। केमिकल वाले रंगों के संपर्क में आने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। केमिकल वाले रंगों से होली खेलने से कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो सकती है, आइए जानते हैं। अगर गलती से ये केमिकल वाले रंग आपके मुंह में चले जाते हैं तो इनसे पेट दर्द, उल्टी, दस्त, आंतों में इन्फेक्शन, इसके अलावा कुछ हानिकारक कणों की वजह से कभी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ और खांसी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर रंग आंख में चला जाए तो इसकी वजह से आंखों की पुतलियां डैमेज हो सकती हैं। त्वचा पर भी कई बार जलन और लालिमा भी देखने को मिल जाती है, इसलिए रंगों से होली खेलते समय बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इससे कैसे बचाव करें, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। रंग खेलने से पहले चेहरे पर नारियल का तेल लगाना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है और स्किन को नमी देता है। इसके अलावा स्किन में नमी बनाए रखने के लिए ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए। धूप में खेलते समय सनस्क्रीन लगानी चाहिए और सबसे ज़रूरी बात, प्राकृतिक या ऑर्गेनिक रंगों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें होली पर मिठाइयों की, तो होली का रंग मिठाई के रस के बिना बिल्कुल फीका सा लगता है, लेकिन इनमें भी कई तरह की मिलावट की जाती है। बाजारों में मिलने वाले खोए में मैदा, सिंथेटिक दूध, आर्टिफिशियल पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा खोए में डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया और घटिया किस्म का तेल या पॉम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। केसर में लकड़ी का बुरादा या मक्का मिलाई जाती है। शुद्ध चांदी के अर्क की जगह एल्युमिनियम फॉयल से मिठाइयों को सजाया जाता है, जो बहुत ही हानिकारक है।